अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं चपराट साइड पे, वहाँ पे जंगल है, जंगल में जा रहे हैं आज। आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज ये बछिंदा भी हमारे साथ ही है और बाकी दो बछिंदे पीछे आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। इस टाइम खड़े हैं हम सियालकोट पैलेस रोड पे और निकलते हैं यहाँ से। अभी बंदों का वेट कर रहे हैं। तो आ गए हैं ये दोनों भी, निकलते हैं यहाँ से आप। चलो शाम साहब। खड़े हैं रोटा चौक में। इस अब इधर से हमारे रस्ते का सही शुरुआत होती है। ये साइड पे ये गोंदा साइड पे सजाता है और ये जा रहा है चपराट साइड और जो है ना दूसरा बजवात साइड पे। इस साइड से तो निकलते हैं इस अब। सैदपुर यहाँ से अब जाएंगे हम चपराड़ी साइड पे। लास्ट टाइम इस तरफ गए थे, ये ज़्यादा गुजरात साइड बुजवा साइड पे, इस तरफ को जाते हैं। ये अब जा रहा है चपराड़ सेक्टर। हाड़ी चढ़ गए हैं। नहीं साइड जान पर जाते नहीं होते यहाँ और गुजार। काफी अच्छे नज़ारे नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं ना आपको? अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। हमें भी नजर आ रहे हैं। ये अपने कोरोना वायरस से उतारो जरा थोड़े से। बाबा जी बागड़िया तेरी आहो। ठीक है आहो, देख सकते हैं आप। बेस्ट है, बड़ा प्यारा, बहुत ही मत बहुत ही हरियाली, खूबसूरत मनाज़र पेश करते हैं।
सुकून माशाल्लाह पेश करते हुए, बहुत ज्यादा सुकून है। जा रहे हैं आगे जाके आपको जंगल के नजारे करवाते हैं, देखते हैं। हाँ क्या 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 क्या? झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच बोलूंगा। एक बात बोलूं, जहाँ पे हमें आना था, तो बड़ा मजा आ रहा है, काफी प्यारी जगह है। दिखाते हैं कि कैसे गुड़ बनता है, रखा हुआ है करने के लिए। ये तैयार हो गया, मुझे कितने पैसे ज़्यादा मज़ा गांव वाली साइडों पर आता है, इसलिए हम इसी इन्हीं साइडों पर निकलते हैं। माइंड फ्रेश होता है हरियाली वगैरह देख के, और काफ़ी अच्छी जगह है। ये अपने मियां साहब इस तरफ आए हैं, उस तरफ धूप आ रही है। ओके ब्रो, बाबा जी चले। और ये है भट्ट साहब अपने, ये बच्चा बकरियां चला रहा है, अपनी यहाँ बकरियों को जो है ना ले गया हुआ है। क्या नाम है आपका? अली शेर। क्या करते हो? बकरियां चारता हूँ। बकरियां चारने को पढ़ते वगैरह नहीं हो? पढ़ते हैं, पांचवी क्लास में। पांचवी क्लास में हो? यहीं पर रहते हो कहीं पे? नहीं, डेरे पर रहते हो। ये क्या चीज है? डेरे पर रहते हो? एक कनक है। एक कनक है? अच्छा, गंदा का भी बड़ी हो रही है। अच्छा, तो यार नहीं होगी हमारे पांव की वजह से? नहीं, जंगल में जाने देते हैं? नहीं, सनासनी कार्ड हो तो फिर जाएं। आईडी कार्ड वगैरह पास हो? हमारे पास आईडी कार्ड होगा, हम जाने देंगे। ओके, सही है। ये सारी तुम्हारी हैं? हां जी। वाह क्या बात है, काफी मजा करते हो। हां जी, मजा करते हो काफी। ये अपने मियां साहब हैं, क्या मजा है इस माहौल। यहीं क्यों गए? किसी और शहर से आए हुए हो? बबल नगर से आए हुए हो? हां जी। इधर आप किधर रहते हैं? किसके पास रहते हो? किसी रिश्तेदार के पास? नहीं, मेरे भाई को डेरे पे। अच्छा, डेरे पे काम करते हो? हां जी, काम करते हो। अपना यहां पे रहते? सही है, सही है, सही है। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में हम पांच बहन भरा ना। हाँ। एक भाई हूँ, चार मेरे बहन हैं। अच्छा अच्छा, तो पूरी फैमिली यहीं पर रहती है कि आप बहालपुर में रहते हैं? सारी फैमिली इधर ही रहती है, सारी फैमिली। सही है, सही है। चलो, आपकी है? ये आपकी है कि जिधर काम करते हैं उनकी है? नहीं, हमारी। देख सकते हैं आप, बच्चा जो है ना अकेला भाई है, पाँच चार बहनों का, तो मेहनत करता है उनके लिए मेहनत करता है, और अल्लाह पाक इसे खुश रखे। आमीन। पहुंच गए जंगल के अंदर, अब देखें रास्ता बड़ा ही जो है ना खराब है। अब हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच, और इधर यहाँ पे एक मज़ार वाक़ है। तो सर जी, मज़ार का किना का मज़ार है यार? मिश्री चक दरबार है। मिश्रियां चक दरबार है। हाँ। सही है। ते अथे सर जी, कोई खतरा वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, बाहर ले वगैरह नहीं तो नहीं है कोई भी? नहीं, कोई खतरा नहीं, बड़ी दुनिया है। चलो मेहरबानी जनाब। उन्होंने जो है ना इधर आगे करके मस्जिद बनाई हुई है जंगल के अंदर। ये हमारे बछिंदे जा रहे हैं आगे, बछिंदा लोग। ये हमारे चाचू जी हैं। गुड हो गया जी, गुड हो गया बाबा जी। चपड़ाड़ 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 चपड़ाड़। हेलो हेलो, चाहिए हो को जानू।
ओके नहीं है बंदे आदि मैं एग्री कर नहीं तेरे ने की नहीं मुनु ने मैं पीछे ना बैठ रहा था आ जाओ मियां जी आ जाओ इस काम ओ एक मिनट चुप इतना सन्ना अच्छा काफी मजा आ रहा है ये शाम साहब बंदे से डर भी रहे हैं इंजॉयमेंट हो रहा है ब्रो और जनाब हम पहुंच चुके हैं इस टाइम अब तवी वाली साइड पे जंगल से गुजरते हुए जंगल काफी बड़ा था लेकिन जी उस तरह का खतरनाक नहीं था देखने में सिर्फ खतरनाक था अब हम जंगल से भी हो आए हैं दरबार पे हाजिरी पेश कर ली है अब निकलते हैं हम वापस सीरी की तरफ काफी मजा आया आज का दिन अच्छा रहा हमारा इन्होंने भी एंजॉय किया अब वो शाम से पिक्चर बना रहे हैं तो निकलते हैं हम वापसी की तरफ और उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा हालात खराब हुए तो इधर ही कोई खतरा है कि नहीं वो बैठा था सिर्फ बाकी हले ठीक ही है हले खैर ही है ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੋਲੇ ਪੰਨੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬਨੂ ਪਾਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਨੂ ਪਾਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ क्या एंजॉय किया आपने भाई जान मुझे तो बड़ा मजा आया लाइफ में दूसरी बार इधर आया हूँ आगे से भी ज्यादा मजा आया हम आगे भी बहुत ज्यादा गए हैं देखो शाम साहब आपके शेयर करना चाहेंगे यार आज का एक्सपीरियंस बहुत मजे का रहा है काफ़ी देर बाद घूमने फिरने का मौका मिला आज तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की हैं और इतनी जी आगे आप क्या कहेंगे पहले हम समझते थे आगे जंगल है काफ़ी गहरा जंगल होगा काफ़ी ड्रोना होगा लेकिन जब गए हैं तो कुछ भी नहीं आगे सवाई जंगल के हम तो चलते हम जानवर मिले लेकिन जानवर हमारे साथ ही खड़े हमें नहीं मिल गया हाँ जी नहीं सब आप क्या बताएंगे मैं यही बताना चाहूँगा मेरा अगर बंदा जाए इस तरह के बंदे ना साथ हो हाँ जी मियाँ जी आपको कहना चाहेंगे जो तू कहता है तू कह तुझ में मैं हूँ और मुझ में तू है तो ये थे आज के रिव्यूज आप निकलते हैं वापसी की तरफ यहाँ पे इख्तिताम करते हैं आज के ब्लॉग का ढलती हुई शाम और निकलते हैं हम वापसी की तरफ सियालकोट काफ़ी मज़ा आया इंजॉय किया काफ़ी हमने ये सारा वो जंगल था और ये अब इसका जो हदूद है ये आखिर है इसकी चपराड़ सेक्टर और आप देख सकते हैं ये साइड पे ये चपराड़ गांव है वीडियो अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाजमी कीजिए बाबा जी